नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास 20 से 24 जनवरी 2021 के बीच कहाँ किया जाएगा? तो बताइए, इस एक्सरसाइज का नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21। इस एक्सरसाइज का आयोजन 20 से 24 जनवरी 2021 के बीच ये किया जाएगा राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये किसके बीच आयोजित होती है? तो देखो, ये इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की जो एयर एंड स्पेस फोर्स है, इसके बीच ये आयोजित की जाती है। और अब ये की जाएगी 20 से 24 जनवरी 2021 के बीच राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में। इसमें फ्रांस की तरफ से 175 एयरफोर्स पर्सनल ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इंडिया की तरफ से जैसे सू-30 MKI, राफेल, मिराज 2000 आदि इत्यादि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात फ्रांस की हुई है तो लोकेशन देखिए पहले आप। यह फ्रांस की लोकेशन, फ्रांस कहां पर है? ये यूरोप में है। ये देखिए इधर, ये इधर स्विट्जरलैंड है, इटली है, स्पेन है। अब फ्रांस की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। देखो ये इन्फॉर्मेशन वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है। जो देश चर्चे में होते हैं तो उनके प्रेसिडेंट को पूछे जाने की संभावना एग्जाम में ज्यादा होती है, या फिर उनकी कैपिटल भी पूछ ली जाती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बताइए, देखो ये जो सोमनाथ टेम्पल है ना, ये गुजरात में स्थित है और इसी का ये ट्रस्ट है। तो इसके लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अगले चेयरमैन होंगे। इनको ऐसा इलेक्ट किया गया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये नरेंद्र मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं, मतलब इनसे पहले एक और थे, नाम क्या था? वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, नाम क्या था? मोरारजी देसाई। इनको भी इस ट्रस्ट का एक बार अध्यक्ष चुना गया था। और अब कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये जो सोमनाथ टेम्पल है ये गुजरात में स्थित है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गनोरी टंटा गांव किस राज्य और यूटी में स्थित है? देखो ये गांव इंपोर्टेंट है। अब ये न्यूज में क्यों है ये समझते हैं। तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे। देखो इसको फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी मिली है, मतलब अब यहाँ पे बिजली इस गांव में पहुंच गई है। तो ये जो गांव स्थित है ये है जम्मू कश्मीर में। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बस आप इतना याद रखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर का डोडा जिला है, और डोडा जिला में है ये गांव गनोरी टंटा विलेज, जिसमें अब बिजली पहुंच गई है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, लोकेशन देखिए आप। यह जम्मू कश्मीर की लोकेशन, ऊपर लद्दाख, इधर हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसमें देखो एक तो है यूटी, यूटी क्या है? लद्दाख। और दो है इसमें राज्य, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसके साथ इसकी सीमा लगती है। अब देखो लगे हाथ पाकिस्तान की बाउंड्री भी देख लेते हैं। पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और 2 यूटी कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो टोटल मिलाकर हो गए 5। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब किस राज्य की सरकार इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रही है? तो बताइए, देखो ये एक ऐसा त्यौहार है, मतलब एक ऐसा ये फेस्टिवल है जिसके कारण जो टूरिज्म है ना वो बूस्ट होता है। तो इसका आयोजन कर रही है कौन? उड़ीसा की सरकार। तो याद रखेगा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस बार इसका ये दूसरा एडिशन है। इसका मकसद एक ही है कि वहां के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करना। और ये उड़ीसा के 5 लोकेशन पर ये आयोजित किया जा रहा है, जैसे कोणार्क, हरिकुंड, भीतरकनिका और दरुंगाबादी और सतकोशिया। देखो जो भीतरकनिका है ना, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है उड़ीसा में स्थित। ये भी न्यूज में था, अभी हम आगे समझेंगे तो ये किस लिए न्यूज में था। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखेगा। अब उड़ीसा के जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। देखो जैसे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल्स सुविधा शुरू की। दूसरा पॉइंट, उड़ीसा में राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। थर्ड पॉइंट, उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। फोर्थ पॉइंट, उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहेगा। देखो ये न्यूज में आ गया। अब ये बंद क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल का सेंसस किया जाएगा, मतलब इनकी जनगणना की जाएगी। फिफ्थ पॉइंट,
उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजन नल मिशन से पे योजना का उद्घाटन किया। सिक्स्थ पॉइंट, जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सेवन्थ पॉइंट, उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए के मिश्रा होंगे। तो ये तो बात करी हमने उड़ीसा के जो प्रीवियस करंट अफेयर है इनके बारे में। अब देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस शहर में लॉन्च किया जाएगा, तो बताइए भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम इसको कहां पर लॉन्च किया जाएगा, किस शहर में, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अलप्पुझा, ये कहां पर है, अलप्पुझा यह देखो केरला में, देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन याद रखेगा ये केरला में स्थित है। अब केरला की लोकेशन देखिए आप, कर्नाटका और तमिलनाडु दो राज्यों के साथ केरला की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन ये इसके मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं। कोची में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरला और लक्षद्वीप इन दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। 14 जिले हैं लोकसभा के, 20 सीट राज्यसभा के, 9 विधानसभा के, 141 सीट। कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों के साथ केरला की सीमा लगती है। किसके द्वारा विकसित 21 बाइक एम्बुलेंस को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में शामिल किया गया है, देखो इनको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इससे देखो फायदा क्या होगा, फायदा इससे ये होगा देखो जो नक्सल और इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज होते हैं ना वहां पे जब ये CRPF के जवान ऑपरेशन करेंगे तो वहां पर ये एम्बुलेंस इनके लिए फायदेमंद होंगी। कैसे, अगर इनका कोई सोल्जर या फिर जिस टीम के लिए ये ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें कोई पर्सन किसी प्रकार से घायल हो जाता है या उसको इमरजेंसी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है कोई भी किसी भी कारण का, तो ये एम्बुलेंस, ये जो बाइक एम्बुलेंस है ये वहां पर इजिली पहुंच सकती हैं और इनके द्वारा उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सकता है, तो इसका ये मेन मकसद है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है DRDO। अब बात DRDO की है तो इसके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। DRDO पूरा नाम क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी को कब फॉर्म किया गया था, मतलब इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, याद रखेगा। अब मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये, तो ये आती है देखो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, याद रखेगा। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो ये तो ऑब्वियसली सीधी बात है, अगर डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आती है तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, यह राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह ही इसके मिनिस्टर ऑफ रेस्पॉन्सिबल है, याद रखेगा। इसके अगर हम मोटो की बात करें तो मोटो क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। फिर से बोलता हूँ, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, ये इसका मोटो है। अगर इसके लेबोरेटरीज की बात करें तो देखो आज की डेट में भारत में तकरीबन 50 से ऊपर इसकी लेबोरेटरीज हैं, और जब इस बॉडी का गठन किया गया था तो उस समय इसकी 10 लेबोरेटरीज थी। तो ये तो बात करी हमने DRDO के बारे में, अब बात करते हैं CRPF के बारे में। CRPF पूरा नाम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इस बॉडी का गठन कब हुआ था, देखो इस बॉडी को गठन किया गया था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के द्वारा, मतलब उस समय इसका ये नाम था, कब, 27 जुलाई 1939 को, याद रखेगा। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो इसका नाम बन गया CRPF, कब, ये बना 28 दिसंबर 1949 को, याद रखेगा। पहले क्या था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, 27 जुलाई 1939 में इस बॉडी का गठन किया गया। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस ये नाम बन गया CRPF, कब, 28 दिसंबर 1949 को। हेडक्वार्टर की बात करें, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है ये कौन है, AP महेश्वरी। अब एक बात आप याद रखेगा, ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, DRDO डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और CRPF ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। इसके अगर हम मोटो की बात करें तो क्या है, सर्विस एंड लॉयल्टी, मतलब सेवा और निष्ठा, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। देखो इन दोनों बॉडी को हमने डिटेल से समझ लिया है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में कलराव उत्सव का उद्घाटन किया गया, तो अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री, नाम क्या है, नीतीश कुमार, इन्होंने 16 जनवरी 2021 को बिहार का जो पहला ये राज्य पक्षी त्योहार, नाम क्या है, कलराव फेस्टिवल, इसका उद्घाटन किया, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इसका उद्घाटन कहां पे किया गया, बिहार की कैपिटल है पटना,
जैसे ये पटना है, और पटना से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक है नागी बर्ड सेंचुरी, याद रखेगा। इस नागी बर्ड सेंचुरी में इसका उद्घाटन किया गया। अब इसका मकसद क्या है? देखो मकसद एक ही है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, इनके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। और ये जो नागी बर्ड सेंचुरी है ये 2.1 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और ये 133 बर्ड स्पीसीज का होम भी कह सकते हैं आप इसे, मतलब उनका ये घर है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। अब बात बिहार की हुई है, लोकेशन देखिए आप, यह है बिहार की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो देखो इधर तो आता है उत्तर प्रदेश, एक सेकंड ये पेन ले लेते हैं, हाँ इधर आता है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तीन राज्यों के साथ बिहार की सीमा लगती है, और नेपाल के साथ ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। कैपिटल की बात करें तो पटना इसकी कैपिटल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, फागू चौहान राज्यपाल हैं, 38 जिले हैं, लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीट। पटना में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। और ये बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से देखी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए तेलघानी बोर्ड का गठन किया गया है? तो देखो इस बोर्ड का गठन किया गया है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका मकसद क्या है? मकसद है देखो, जो रूरल पीपल्स है ना, रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, मतलब उनको ये प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मेन मकसद इसका यही है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। अब बात छत्तीसगढ़ की हुई है, लोकेशन देखिए आप, यह है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, ये इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इसके साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है? रायपुर इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया यूके। 28 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है, और पी आर रामचंद्र मेनन ये कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये भी इन 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, जिन्हें हमने मैप के माध्यम से समझा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश के लोग दुनिया में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी हैं? प्रवासी का मतलब क्या है? माइग्रेंट्स, मतलब जैसे एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, इनको बोलते हैं प्रवासी। तो इसमें पहले स्थान पर है भारत। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहां से भी सबसे ज्यादा लोग कहां जाते हैं? तो देखो ये 3.5 मिलियन लोग, मतलब इसके आसपास ये जाते हैं यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। फिर इसके बाद नंबर आता है 2.7 मिलियन पीपल्स, ये कहां जाते हैं? तो ये जाते हैं अमेरिका, यूएस में, अमेरिका में। फिर तीसरे नंबर पर आता है 2.5 मिलियन लोग, ये कहां जाते हैं? ये जाते हैं सऊदी अरेबिया में। तो याद रखेगा भारत पहले नंबर पे है, और भारत के तकरीबन 18 मिलियन लोग प्रवासी हैं। ये आंकड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है, अराउंड पूछ लिया जाएगा कि कितना है, 10 के अराउंड है, 5 के अराउंड है, या 15 के है, या 18 के है। तो 18 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी? तो देखो भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है, कब आता है? ये आता है 23 जनवरी को, एक सेकंड यहां पे लिखते हैं, 23 जनवरी को। और अब इस 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखेगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो किस राज्य ने दिसंबर 2020 में आयुष्मान भारत योजना में 3,67,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।